हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि नथिंग लॉन्चर को अपने कौन से भी डिवाइस में कैसा इंस्टॉल कर सकते हैं। एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक मैं बताने वाला हूँ, तो इंस्टॉलेशन की आप टेंशन मत लियो, लाइट लेके आपके फोन में ये इंस्टॉल हो जाता। वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता देता हूँ कि ये मैजिक्स मॉड्यूल है, सिर्फ ये रूटेड डिवाइस में वर्क करता। अगर आप इंटरेस्टेड है अपने डिवाइस को रूट करने में तो ऊपर आई बटन पे आपको वीडियो मिल जाती। उस वीडियो में मैं कम्प्लीट ट्यूटोरियल्स दिया हूँ कि अपने डिवाइस को कैसा रूट करना, तो आप चेकआउट कर ले सकते। तो इंस्टॉलेशन करने से पहले इसके एक्स्ट्रा फीचर्स की बात कर लेंगे अपन। अगर आपको लॉन्चर सही लगा तो इंस्टॉल कर लो। इंटरफेस देख सकते हैं लॉन्चर का, कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता। एकदम प्रीमियम लुक है इसका। ये लॉन्चर में मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे फोल्डर का एनिमेशन देख सकते हैं, बहुत स्मूथ है और बहुत ही ऑसम दिखता देखने में। एकदम प्रीमियम लुक है इसका। ये फोल्डर एनिमेशन आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताओ। और एक बहुत खतरनाक फीचर इसमें, फोल्डर को आप टैप एंड होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, रिनेम कर ले सकते और यहाँ पे एनलार्ज का ऑप्शन मिलता। देख सकते फोल्डर कुछ इतना बड़ा हो जाता और ये देखने में बहुत अमेजिंग दिखता। यहाँ पे क्विकली आप एप्स को एक्सेस कर सकते, वैसे ही इसको रिसाइज भी कर सकते आप। यहाँ पे आइकॉन्स को भी आप रिसाइज कर सकते, देख सकते मैक्सिमाइज हो गया और इसको मिनिमाइज भी कर ले सकते। इसके विजेट्स की बात करेंगे तो इसमें अपने को अच्छे खासे विजेट्स देखने को मिल जाते। यहाँ पे क्लॉक का विजेट है, ये चार विजेट्स अपने को इसमें देखने को मिल जाते। यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा विजेट नहीं है। ये क्लॉक उतनी खास मेरे को नहीं लगी। इसके एक्स्ट्रा सेटिंग्स की अपन बात कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट्स का आपको ऑप्शन मिल जाता, तो ये कॉमन है, सारे लॉन्चर में ये अवेलेबल रहता। यहाँ पे ऐड आइकॉन्स इन होम स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता, सर्च बार का ऑप्शन मिल जाता। यहाँ पे होम स्क्रीन पे देख सकते हैं गूगल सर्च बार है और ये बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा। इसमें कोई भी आपको लैग देखने को नहीं मिलता। डबल टैप टू लॉक का ऑप्शन मिल जाता, ये यहाँ पे वर्किंग नहीं है, ये इशू में कुछ में फेस करने को मिला। यहाँ पे ऐप सजेशंस इनेबल डिसेबल कर सकते, तो ये सब सेटिंग्स है। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे ऐप ड्रॉअर पे थ्री डॉट्स पे टैप करो, ऑलवेज शो कीबोर्ड पे टिक कर दो। इससे क्या होगा, जब भी आप अपना ऐप ड्रॉअर खोलोगे तो यहाँ पे कीबोर्ड बाय डिफॉल्ट ओपन हो जाता। यहाँ पे ऐप का नाम सर्च करके ओपन कर ले सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। अब इंस्टॉलेशन पार्ट पे अपन आ जाएंगे। पहले ही बोला था ये मैजिक्स मॉड्यूल है, आपके फोन में मैजिक्स इंस्टॉल रहना बहुत जरूरी है। मैजिक्स यहाँ पे अपने फोन में इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे मैं लॉन्चर को डिलीट कर दिया, कंप्लीट मैं स्टार्टिंग से बताने वाला हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे डिफॉल्ट लॉन्चर अपना पिक्सल लॉन्चर है। अपन यहाँ पे नथिंग लॉन्चर को इंस्टॉल करने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको मैजिक्स में आ जाना पड़ता। यहाँ पे सारी परमिशंस को अलाउ कर देंगे, मॉड्यूल वाले सेक्शन पे अपन आ जाएंगे। इंस्टॉल फ्रॉम स्टोरेज पे टैप करके यहाँ पे नथिंग लॉन्चर की फाइल है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे मेरे डिवाइस का एंड्रॉइड वर्जन 13 है, तो ये एंड्रॉइड 13 के लिए मैजिक्स मॉड्यूल है। अगर आपके डिवाइस का एंड्रॉइड वर्जन 12 है तो टेंशन की बात नहीं है, ये मॉड्यूल एंड्रॉइड 12 के लिए भी अवेलेबल है। तो दोनों एंड्रॉइड वर्जन का मॉड्यूल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से डाउनलोड कर लो। सिंपली मैं इस पे टैप करके फ्लैश कर देता हूँ, तो देख सकते हैं ये फ्लैश कम्प्लीट हो गया। रिबूट का ऑप्शन आता, रिबूट कर लो, कोई भी आपको बूट लूप देखने को नहीं मिलता। अगर आपके डिवाइस का एंड्रॉइड वर्जन 12 है, मैजिक्स मॉड्यूल एंड्रॉइड वर्जन 13 का फ्लैश कर दिए तो बूट लूप आता, तो मेक श्योर कर लेना कि जो आपका एंड्रॉइड वर्जन है वही मॉड्यूल आप फ्लैश करो। यहाँ पे अपना फोन सक्सेसफुली रिबूट हो गया। रिबूट होने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आती। इसको कैसा फिक्स करना मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अपने डिवाइस के सेटिंग्स में आपको चले जाना है, फिर यहाँ पे एप्स का ऑप्शन है, इस पे टैप करो, डिफॉल्ट एप्स पे आ जाओ। होम एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलता, यहाँ पे नथिंग लॉन्चर पे सेट कर दो। देख सकते इधर फाइनली अपना नथिंग लॉन्चर इंस्टॉल्ड हो गया। अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर सकते। ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाओ। और कस्टम रॉम्स के रिव्यूज भी मैं लाने वाला हूँ, मेरे एग्जाम्स आने वाले हैं इसलिए मैं कस्टम रॉम्स के रिव्यूज नहीं ला रहा हूँ। वो जल्द मैं कस्टम रॉम्स के रिव्यूज भी लेके आता हूँ चैनल पे। तो अपन ये वीडियो को एंड करेंगे, मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में।